हेलो दोस्तों, मैं एनुल सर, आज फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो इस यूट्यूब चैनल में आप कीमती समय बिता रहे हैं, दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, आज मैं फिर से घटांग और घात का जो चैप्टर है उसको लेके आया हूँ। इसमें कहा गया है घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये आकलन परीक्षा के लिए पारा टीचर यानी सहायक अध्यापकों के लिए है। खासकर ये जो है छोटे छोटे प्रश्न को हल करना, ये उसके लिए बहुत ही जरूरी है। जो सहायक अध्यापकों के लिए, जो नजदीक एग्जाम आने वाले हैं आकलन परीक्षा के लिए, उसके लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न ये सब है। ये सब जो है हल करना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इस प्रश्न को लेके आया हूँ। जैसा कि इसमें दिया गया है, 2 का पावर है 3 यानी घात 3 और ब्रैकेट के बाहर जो है उसका घात है 4। तो ये सिंपल सा है, 2 लिख करके ये गुना का चिन्ह में रहता है, गुना का चिन्ह दे दें और इन दोनों को गुना कर दें, पावर में आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 2 का घात 3 × 12। ये आंसर आ गया, यही आंसर है। अब आइए 2 नंबर में, इसको बहुत ही मैंने क्या कहते हैं वो सरल तरीका से मैं बना रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा कठिन किस्म का है और थोड़ा लंबा आएगा। इसमें शॉर्ट में भी बनता है और थोड़ा लंबा में भी समझाने के कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, मान लिया जाए 5 × 5 × 5, इसको मैं 625 को मैं तोड़ रहा हूँ। 5 × 25 5 × 125 125 × 6 625, यानी कि मेरा 5 ठो 4 ठो 5 है। मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इस प्रकार भी लिख सकता हूं। ये जो है 5 4 बार लिखा गया है तो 4 लिख दीजिए। 5 4 बार लिखा गया है तो 4 घात उसका होगा। इसका मतलब है कि 5 4 ठो है। अब ये भाग का अगर चिन्ह में रहे और ये दोनों बराबर रहे तो सिर्फ 1 लिखना है और दोनों घातों में अंतर कर दीजिए, दोनों घातों में अंतर कर दीजिए, यानी कि 4 × 4। ये दोनों घटाव कर दिए। अब इसमें बचा 5 के पावर में 4 में 4 कैंसिल कर घट गया तो बचा 0। तो दोस्तों, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि कोई भी संख्या चाहे x के पावर में 0 हो तो बराबर 1 होता है, y के पावर अगर 0 हो तो बराबर 1 होता है, चाहे 100 के पावर अगर 0 हो तो बराबर 1 होता है। तो क्यों होता है, क्यों होता है, यही थोड़ा सा कठिन किस्म का है जो मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्यों होता है, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि ये इसका मतलब 1 होता है तो क्यों होता है। थोड़ा सा सिंपल मैं बताने जा रहा हूं, लंबा उसी से आपको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि ये हिसाब
ये जीरो जो है उसका पावर वन कैसे होता है, तो आइए मैं दिखा देता हूं। जैसा कि ये आंसर आ चुका है इसका, लेकिन क्यों आता है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। जैसा कि मैंने 5 के पावर 4 इसको मैं टुकड़ा किया, अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़ा किया, तो 5 4 बार लिखा गया है, तब जाके 125, 125 को टुकड़ा करने से 4 बार 5 आता है। तो अब मैं इसको भाग का चिन्ह में रखा और ये जो है इसको ज्यो का त्यों लिखा, और जो संख्या है उसके नीचे में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वन रहता है। मान लिया जाए कोई भी संख्या है उसके नीचे वन रहता है, तो 5 ये जो है लिख दिए, और गुना का चिन्ह देने पर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि 5 जो है 4 बार है और गुना का चिन्ह में है, तो ये भी 5 बार आएगा, 5 4 बार आएगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 और 5 कैंसिल हो गया, 5 ये 5 कैंसिल, ये 5 ये 5 कैंसिल, ये 5 ये 5 कैंसिल, बराबर 1। तो दोस्तों मैं जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि 5 का अगर 0 है पावर में, घात में अगर 0 है तो बराबर 1 क्यों होता है, उसको मैंने सिद्ध करके दिखाया कि ये जो है ये घटाव होता है, और ये घटाव का मतलब ये भाग होता है, इससे इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करने से कट जाता है, यानी कि ऊपर में 4 ठो 5 है और नीचे में 4 ठो 5 है, तो दोनों भाग होगा, कटेगा तो बराबर 1 बचता है। तो इसीलिए मैंने और भी जो जो भी है, मान लिया जाए कि 1000 है और उसके पावर में अगर 0 है, तो इसी तरह होता है, तब जाके ये 1 होता है, ये 1 होता है। सिंपल सा मैंने बताया कि क्यों 1 होता है, x बराबर 0, x के पावर अगर 0 है बराबर 1 क्यों होता है, तो बस सिंपल सा है कि इसी प्रकार का होता है, तब जाके x के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो मैंने सिद्ध करके दिखाया, इस सिंपल दिखाया, और हिसाब आने पर फिर आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो फिलहाल अब आगे बढ़िए। हिसाब देखिए, ये पढ़ने का नहीं है, ये सीखने का है। देखिए सीखिए, अब आइए 3 नंबर पर आइए। तो इसमें लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में है 2 3 गुना 2 के, ब्रैकेट के बाहर में है 3। तो अब इसमें देखा जाए कि अगर दोनों बराबर रहे और गुना का चिन्ह में रहे, तो 1 लिखना है और दोनों पावरों को जोड़ देना, यानी कि 2 इसमें 1 है, 2 के बाद लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां 1 बिठाया, और इसमें 2 के बार है, 3 बार है। तो 3 और 1 कितना हुआ, के ठो 2 हुआ, 3 ठो 2 और 1 ठो, कुल मिलाकर
कुल मिलाकर 4 हो रहा है। और ये जो गुना का ये बाहर में है, तो पहले मैंने इसे एक नंबर वाले में बता चुका हूं कि अगर बाहर में रहे तो ये गुना का चिन्ह में रहता है। तो ये 2 जो है इसको लिखा, ये योग कर देने पर 3 और 1 4 लिखा, 4 3 12 ये आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ समझने में फेल है, समझिए सीखिए और कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। अब आइए 4 नंबर में जैसा कि दिया गया है, इसमें दिया गया है a का घात है 6 और a का 3 ब्रैकेट के बाहर में इनटू दे करके a का घात 4 है। तो ये जो है ये भाग का चिन्ह होता है, ये भाग का चिन्ह होता है। तो समझने वाली बात है कि मान लिया कि a का पावर 6 और भाग, इसको जब मैं ऊपर करूं तो a का पावर 3 भाग में आ जाएगा, ये भाग में आता है। तो अब इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। मैंने इसको यहां लिखा, ये नीचे है, इससे मतलब कि इसमें भाग है, यानी कि मैं सिद्ध करके थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये मान लिया जाए के बार लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ये 6 है, ए 6 है और 6 ऊपर लिखा और नीचे ए 3 है, तो 3 मैंने लिखा, तो इसको कैंसिल कीजिए, बचा ए का पावर 3 बचा, ए 3 बचा। तो उसी प्रकार अगर पहले 2 नंबर में मैंने बता चुका हूं कि अगर भाग का चिन्ह में रहे तो 1 लिख करके इसको माइनस कर दीजिए, दोनों घातों को माइनस कर दीजिए और इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। माइनस करने पर पता चलता है कि a का पावर 6 माइनस 3, 6 में 3 माइनस करेंगे तो बचा 3, तो वही तो 3 है, वही तो आया, काटने के बाद भाग देने के बाद वही आया और यहां कैंसिल करने के बाद भी वही आया। तो अब ये मैंने यहां लिखा, अब दोनों जब बराबर रहे और इनटू का चिन्ह रहे तो दोनों में से 1 लिखना है दोस्तों, और दोनों घातों को जोड़ देना है, यानी कि दोनों घातों को जोड़ देना है। तो कितना बचा, कितना हुआ, 1 7। तो आइए अब आगे बढ़ता हूं। अब और एक बता देना चाहता हूं, जैसा कि दिया हुआ है, ये 5 में है, ये इनटू में और 3 0 इनटू 2 0। तो दोस्तों याद रखें कि इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है,
इसका भी वन वन होता है, इसका टू वन। आज मैं इतना ही लेके आया हूँ दोस्तों।